You are watching Poonch Live. नाम निर्मल सिंह, मुझे बहुत खुशी है उसने धर्मशाला की हासिल किया है। इससे पहले उसने के एस के रैंक 34 रैंक की हासिल किया था और बहुत खुशी है आज उसका। एम ए चीफ अचीव उसका गोल ये था कि मैं आई एस करूँ। आज उसका रैंक 34 आया था के एस में, फिर उसने दोबारा मैन दिया था उसने ये इम्प्रूव हुआ। फिर आई एस उसका अपना जो एम उसका पूरा हो गया, आई एस में अच्छा रैंक अलाउन किया, बहुत हमें खुशी है। उसका ड्रीम यही था कि मैं आईएएस करूंगी, लोगों की खिदमत करूंगी, क्या पूछा पूरे इंडिया की। आज उसका ड्रीम पूरा हो गया, मैं बता नहीं सकता, मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता, मुझे इतनी खुशी है। मेरा नाम दर्शन कौर है। बहुत बड़ी खुशी महसूस हो रही है। उसका शुरू से यही ड्रीम था कि मैंने आईएएस ऑफिसर बनना है। आज वो अपनी मंजिल पर पहुँच गई है। इससे ज़्यादा हमारे लिए और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। जो बच्चा चाहे वही उसे मिले। किया था बट वो सेटिस्फाइड नहीं थी। वो कहती थी कि मैंने बनना है तो आईएएस ऑफिसर ही बनना है। तो आज वो उसी जगह पहुंच गई है जहां वो पहुंचना चाहती थी। वो देश की सेवा करना चाहती थी तो सिविल सर्विसेज में आना चाहती थी, तो आज वो उसी मुकाम पे पहुंच गई है। बयान ही नहीं कर सकती हूं क्योंकि जब मैं उसको पढ़ते हुए देखती थी तो खुद परेशान हो जाती थी कि कहीं ये डिप्रेशन में ना चली जाए। तो आज मैं इसीलिए खुश हूँ कि चलो उसका उसको अपनी मंजिल मिल गई है। गुरबख्श सिंह सोधा, ये कितनी टैलेंटेड है ये मैं आपको बता नहीं सकता। इसका अंदाजा आप बखूबी इस बात से लगा सकते हैं कि एक ही सेशन में इसने एमएससी फर्स्ट क्लास, जेकेएस और आईएएस के तीन एग्जाम क्वालिफाई किए। मैं सोचता हूं ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जितनी मेहनत इसने की है, हमारे यहाँ एक फंक्शन हुआ है जिसमें तकरीबन लगभग 15 दिन फंक्शन चलता रहा और 15 दिनों में ये हमारे पास सिर्फ 15 मिनट के लिए आए। और एवरेज सोचेंगे तो मैं सोचता हूँ कि इसने एक दिन का एक मिनट हमारे लिए निकाला। कभी हम भी थोड़ा गुस्से में आ जाते थे, सोचते थे ये क्यों नहीं आती है, लेकिन नहीं, आज पता लगा वो ठीक थी और हम गलत। इसमें कितना टैलेंट है इस बच्ची में कि 20-20 घंटे इसने डेली पढ़ाई की है और पढ़ाई करके इसने ये मंजिल जो है जो ये पाना चाहती थी ये इसने पाई है। और जिस किस्म की अब वाहेगुरु करे कि जो ये सेवा करना चाहती थी, जो इसका दिल में एक ख्वाहिश है सेवा करने की, वो पूरी हो। और इसके माता पिता ने इसका इतना साथ दिया है कि मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इसी तरह से साथ दें बच्चों का, ताकि कहीं आपके बच्चे भी जो है ना वो ऐसी मंजिलें अबूर कर सके। मेरा नाम मनमहिंदर कौर है। रिश्ते में ये मेरी ननद की बेटी है, जस्ट लाइक माई ओन डॉटर। इसके लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि ये वाहेगुरु की एक कृपा है। ये बच्ची पूजा पाठ में भी बहुत आगे थी। सुबह उठ के इसने पूजा पाठ डेली करना है, उसके बाद अपनी पढ़ाई में पूरा पूरा ध्यान देना है और उसकी अपनी पढ़ाई का, अपनी मेहनत का जो रिजल्ट है उसको मिल गया आज। फैमिली बहुत खुश है। जब मैं ही अपने को ले लेती हूँ कि मैं स्कूल में थी, जब मुझे पता चला मैं कुछ काम कर रही थी, मैं काम नहीं कर पाई, इतनी खुश हुई कि मुझे अपने मैं खुद इतनी खुशी से रोना भी शुरू हो गई और कांपना भी शुरू हो गई। इतनी खुश हुई कि मेरा अपना सारा काम छोड़ के अलग बैठ गई जाकर, कि मतलब खुशी में उसको बयान ही नहीं कर सकती कि किस तरह मेरा क्या हाल था, बाकी फैमिली का क्या होगा, फिर आप समझ ही जाओ। ये हमारी पुंछ के लिए एक बहुत प्राउड का कारण है प्रसन्नजीत कौर। इसने इतना अच्छा रैंक लेकर अपने फैमिली का नहीं, पूरी पुंछ का जो नाम है इसने रोशन किया है। तो हम सब बहुत प्राउड फील करते हैं। जब ये बच्ची पहले बार इसने क्लियर किया था अपना
32 रैंक में, JKS 32 रैंक में, तो तब भी ये लड़की हमारे पूरे पूंछ में इसको जगह जगह बुलाया जाता था, घर द्वारे में इसको सम्मान दिया गया, मंदिर में दिया गया, इसको स्कूल में बुलाया गया अलग अलग, तो ये सब उसकी मेहनत के कारण है, अपनी मेहनत से ये यहाँ तक पहुंची है, उसको ये सम्मान मिला है। मैं फतेह मोहम्मद अब्बासी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं और पूरे पुंछ और पीर पंजाल को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक छोटी सी शाही बच्ची मासूम जो अभी 23 साल की उम्र में बगैर किसी फॉर्मल कोचिंग के प्रेस्टिजियस IAS एग्जाम 11th रैंक में क्रैक करके आज हमारा नाम उसने रोशन किया है, हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया है, और मुझे उम्मीद है कि इससे इंस्पायरेशन लेकर बहुत सारी हमारी बच्चियाँ और भी आगे जाएंगी। ये पुंछ का बॉर्डर एरिया जहां शेलिंग से बच्चों को सो नहीं पाते थे, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो सीज फायर करके एक पीसफुल एनवायरनमेंट दिया है, उस एनवायरनमेंट का ये नतीजा है। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम थी, जिससे पेरेंट्स को इंस्पायरेशन मिली कि हमने जहां बच्चियों को पढ़ाना है, जहां बच्चों को पढ़ाना है वहां बच्चियों को पढ़ाना है, ये सरदार निर्मल सिंह और दर्शन कौर जी को दो ही बेटियां हैं, बड़ी बेटी ने ये एग्जाम क्वालिफाई करके आज पूरे इलाके का रीजन का नाम रोशन किया है, और दूसरी बेटी जो है वो भी पढ़ाई में टॉप कर रही है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी प्रसन्नजीत कौर ने KS में अमंग द टॉप रैंक्स था, और मुझे पूरी उम्मीद थी और मैं टच में भी था, और मैं मुझे पता था कि इसने IAS का एग्जाम क्रैक कर लेना है, मैं सिर्फ रैंक के वेट में था, और जो 11th रैंक लेकर उसने जो खुशियां दी हैं, आज मैं उनके पेरेंट्स को यहाँ उनके घर में मुबारकबाद देने आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इनसे इंस्पायरेशन लेकर हमारे बहुत सारे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो आगे जाएंगे। थैंक यू।